ग्राम पंचायत सूरजनगर प्रधान श्रीमती सुषमा देवी ब्लॉक ठाकुर द्वारा जिला मुरादाबाद, यहां पर प्रधान ने अनेक कार्य कराए हैं, जैसे आंगनवाड़ी केंद्र, किसान सेवा केंद्र, गांधी स्मारक डिग्री कॉलेज, पुलिस चौकी के लिए इनके पुरखों ने अपनी निजी जमीन भी देने का भी कार्य किया है और कई बार गाँव के प्रधान भी रहे। देखिए हम इस समय मौजूद है ब्लॉक ठाकुर द्वारा के सूरजनगर गाँव में। यहाँ प्रधान द्वारा बहुत से विकास कार्य करवाए जा चुके हैं, लेकिन कुछ समस्याएं अभी भी यहाँ लोगों के सामने मौजूद हैं। मूलभूत समस्याओं से अभी भी लोग जूझ रहे हैं। आगे की जानकारी हम लेते हैं प्रधान पुत्र से, तो आइए चलते हैं प्रधान पुत्र के पास। देखिए, मेरी माताजी यहाँ से ग्राम प्रधान हैं, श्रीमती सुषमा विश्वाई जी। हम लोगों ने ग्राम निधि से यहाँ पे बहुत काम करा है, जिनमें सड़कों का निर्माण है, शौचालय का निर्माण है। ये ग्राम पंचायत ODF तो पूरी हो गई होगी? हाँ, ये हो गई है पूरी। कितना मीटर अभी ODF में, मैं आपसे बताना चाहूंगा कि लगभग 100 नाम की लिस्ट और शौचालय जो कम रह गए थे वो हमने अभी दोबारा भेजी है, तो वो उसका भी आश्वासन हमें मिला है कि वो शौचालय भी बने पूरे होंगे। यहाँ ग्राम पंचायत में आवास मिले हैं लोगों को? आवास का सर्वे हुआ है, कई बार सर्वे हुआ है, लेकिन अभी तक कोई पैसा उन्हें लाभार्थी अभी तक एक भी आवास यहाँ इस ग्राम पंचायत में नहीं मिला। यहाँ पेंशन वगैरह लोगों को मिल रही है? पेंशन की यहाँ पे सबसे बड़ी दिक्कत है, लाभार्थी ऑनलाइन अपने आवेदन करते हैं बट उनपे कोई कार्रवाई नहीं होती है। क्या इसके लिए आगे विभाग से आपने बात? हमने कई बार संपर्क कराया, समाज कल्याण विभाग में भी संपर्क करा है, ब्लॉक ठाकुर में भी संपर्क करा है, लेकिन कुछ केस में कार्रवाई होती है, अधिकतर जो है रह जाते हैं। क्या इसका कारण पेंशन न मिलने का कारण लोगों की कागजी कमी है, कुछ पेपर वर्क उनका कम रह जाते हैं? सरकार की जो योजनाएं चली हैं, जैसे कि उज्ज्वला कनेक्शन है, बिजली कनेक्शन है, इसका लाभ यहाँ गांव में कितने लोग लेता? बहुत मिला है उज्ज्वला कनेक्शन से, जितने भी घर थे जो चूल्हे पे खाना बनाते थे, आज सिलेंडर का उपयोग कर लगभग सभी को यहाँ उसका लाभ मिला है। किसानों के खातों में जो सम्मान निधि का पैसा यहाँ पर सरकार के द्वारा मिला जा रहा है, कितने परसेंट लोग यहाँ ले पाए? कुछ के आधार कार्डो में कमी के कारण वो किसान सम्मान योजना का पैसा नहीं आया है, उनके मैसेज वगैरह उन लोगों के पास आ रहे हैं, तो उसको कार्रवाई कर रहे हैं, उम्मीद है कि वो भी उन्हें लगभग जिनके कागज सही है उनको लगभग सभी को मिल रहा है। समय हम मौजूद हैं सूरजनगर के प्राथमिक विद्यालय में, यहाँ प्रधान द्वारा क्या क्या कार्य करवाए जा चुके हैं इसकी जानकारी यहाँ के शिक्षकों से भी लेते हैं। यहाँ पे इंटर पेपर आप यहाँ पढ़ाना चाह रहे हैं? हाँ, मैं पढ़ाना चाह रहा हूँ। आपके सामने हुआ है, क्या स्थिति इस स्कूल की पहले की विद्यालय? पहले ऐसा लिंटर टपकता था, तो इसमें मरम्मत कराई लिंटर पे, ये यहाँ अब मौजूदा प्रधान द्वारा ही मरम्मत। हाँ, और क्या क्या कार्य यहाँ करवाए गए? यहाँ पे टाइल बिछाई गई है आंगन में, लैट्रिन में और किचन में, ये पानी की टंकी वगैरह जो हम पानी देख रहे हैं, ये समर सेविंग इन्होंने लगवाया, और ये दीवार की मरम्मत भी कराई, दरवाजा लगवाया, मेन दरवाजा लगवाया। आप यहाँ संतुष्ट हैं प्रधान द्वारा जो भी काम? हाँ, प्रधान हाँ संतुष्ट है। आइए मिलते हैं यहाँ के सूरजनगर के प्रधान सुषमा बिश्नोई जी से, जिन्होंने यहाँ काफी बहुत से विकास कार्य यहाँ करवाए हैं और अपना योगदान यहाँ जनता को, जनता की भलाई और विकास के लिए किस हद तक इन्होंने अपना योगदान दिया है। काफी जमीनें इन्होंने दान की है, जिसका हम वीडियो आपको दिखा चुके हैं। इसी के साथ ये जानते हैं सुषमा जी से कि उनका क्या योगदान इसमें रहा है। इसमें हमारा पूरा ही योगदान रहा, हमने जैसे शौचालय वगैरह बनवाए हैं, सड़कें बनवाई हैं, नाली बनवाई है, और जल निगम के लिए हमने अपनी जमीन भी दी है। यहाँ पर हमने अभी देखा है और बताया भी है इन्होंने, आपके पुत्र ने काफ़ी ज़मीन आपने यहाँ पर लोगों को दी है, उसकी भलाई की है। तो क्या ये खाली प्रधान पद पर रहते हुए आपने किया है, या अपने स्तर पर समाज सेवा के भाव से ये चीज़? समाज सेवा के भाव से भी दिया है। हमारे ससुर मतलब 25 साल तक प्रधान रहे, उन्होंने भी काफ़ी योगदान दिया, अपनी ज़मीनें भी दान में दी है, बच्चों की पढ़ाई के लिए, शिक्षा के लिए। यानी ये समाज सेवा का भाव जो है वो आपके परिवार में पहले से ही यहाँ चला आ रहा है? हमारा एक स्कूल यहाँ पे चल रहा है और उसमें हम गरीब बच्चों को जो है फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाई देते हैं। तो वो स्कूल मतलब मेरे फादर के नाम पे है, वो 96 में एक्सपायर हो गए थे, तो उनके नाम से हमने स्कूल बनाया। आप ही का स्कूल चल रहा है, ये अपने आप में काफी काबिल तारीफ बात है। इसके अलावा यहाँ सरकारी बिल्डिंग में से आपकी ग्राम पंचायत में स्कूल के अलावा जैसे हमारी एक जमीन थी जो हमारे पिताजी ने ग्राम समाज को दान में दी थी, और जिसमें उन्होंने अपने पैसों से ही अच्छा। एक किसान सेवा केंद्र बनवाया वहाँ पे अच्छा। और वो समाज को दिया कि आप इसमें अपना एक मिनी सचिवालय यहाँ चलाएं, वो सब अपने पैसों से उन्होंने बनाया।
यहाँ पर खेल का मैदान है युवाओं के लिए? खेल का मैदान नहीं है, आंगनबाड़ी केंद्र हुआ। आंगनबाड़ी केंद्र हमारी पंचायत में 3 है। अब अपने गांव को और विकसित सुंदर बनाने के लिए क्या मांग आप सरकार से करना चाहेंगे? मांग एक तो हमारे यहाँ जैसे आपने कहा अभी खेल का मैदान, खेल के मैदान की आवश्यकता है। दूसरा यहाँ पे एक बारात घर की भी बहुत आवश्यकता है, ये चीज हो तो और विकास होगा। हॉस्पिटल इसके अलावा कोई समस्या यहाँ गांव में आप महसूस करते हैं जिसको सरकार? सबसे बड़ी समस्या तो मैडम यहाँ पे अस्पताल की है, एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल यहाँ पे हो। इतनी बड़ी ग्राम पंचायत में 8,000 वोट जहाँ आपने बताए हैं, इसमें कोई अस्पताल नहीं, स्वास्थ्य केंद्र नहीं है? पहले था एक मैडम यहाँ पे आयुर्वेदिक चिकित्सालय था, लेकिन वो भी किराए की जगह में चलता था, वो अब पास पड़ोस में एक गाँव है रामपुर होकर उसमें ट्रांसफर हो गया। जैसा कि आपने देखा, हमने प्रधान पुत्र से यहाँ बातचीत की है, काफी विकास यहाँ इनके द्वारा करवाया गया है, सड़कें, सड़कें, स्कूल, और सबसे बड़ी बात इनका जो एक कहना है कि अपने स्तर पर इन्होंने यहाँ एक स्कूल का निर्माण कराया है जिसमें बिल्कुल निशुल्क शिक्षा यहाँ बच्चों को दी जाती है, अपने आप में काबिले तारीफ काम है। यहाँ गाँव की समस्याओं के बारे में हमने जाना है। यहाँ सबसे बड़ी समस्या एक स्वास्थ्य केंद्र की है, अस्पताल यहाँ से 16 किलोमीटर दूर जाकर ठाकुर द्वारा में है, जिसकी वजह से यहाँ लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। सरकार से ये निवेदन करते हैं और मांग भी करते हैं कि इनके ग्राम पंचायत में, जो कि 8,000 वोटों की ग्राम पंचायत है, यहाँ पर एक स्वास्थ्य केंद्र होना बहुत ही आवश्यक और जरूरी है। इसके अलावा यहाँ इनकी जो मांग है वो खेल के मैदान और बारात घर को लेकर भी है। मैं मोदी सरकार से उम्मीद करती हूँ कि इनकी मांगों को पूरा करें। मैं नाजरीन टुडे 24 से।